हमको नहीं दिख रहा है मेरा। ठीक है सर, क्या मामला है? ये तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जो असरों के सवाल हैं। बिहार से, विशेष रूप से मुंगेर से अच्छी क्वालिटी के असलहे लाके आसपास के जनपदों में सप्लाई करते हैं। ये तीनों मुल्का बनारस के रहने वाले हैं, जिसमें दो थाना आदमपुर क्षेत्र के हैं और एक सारनाथ क्षेत्र। क्या क्या बरामदगी है सर? इनके कब्जे से एक 9mm की पिस्टल मिली है जो अच्छी क्वालिटी की है, एक 38 बोर का रिवॉल्वर मिला है और एक 32 तीन। इनका पहले भी कोई अपराधी की इतिहास रहा है? कुछ जानकारी की जा रही है, लेकिन इनके बारे में जो सूचना मुखबिरों के माध्यम से थी उसमें यह था कि बड़े पैमाने पर काफ़ी दिनों से शस्त्रों के अवैध व्यापार में लिप्त थे और उसी सूचना के आधार पर जब असलहे लेकर के वापस आ रहे थे बिहार की तरफ से, तो इन्हें चंदौली थाना क्षेत्र में साहूपुरी के पास गिरफ्तार। तो ये क्या पहले से भी सप्लाई कर रहे थे? हाँ, जो जानकारी है इनके बारे में पहले से सप्लाई की है और कुछ ऐसे और भी बातें जानकारी में आई हैं जिनको हम अनावरण का प्रयास कर रहे हैं कि इनके द्वारा पूर्व में किन लोगों को असलहे बेचे गए और वो कौन से लोग हैं। इस संबंध में कटपुर सूचनाएँ मिली हैं इनसे, इनका वेरिफिकेशन और तदनुसार उसकी अपेक्षित कर रहे हैं। प्रतिबंधित बोर के असलहे हैं कंट्री मेड हैं कि ये विदेशी असलहे हैं? अगर ये असलहे कंट्री में विदेशी में है तो क्या लूटे असलहे हैं, या इनके पास जो असलहों की खेप आती थी वो कहाँ से आती थी, कैसे अरेंज करते थे और कहाँ बेचते थे? ये मुंगेर से लाते हैं, सब मुंगेर मेड हैं असलहे, असलहों की क्वालिटी अच्छी है और इनको ये बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही बेचा करते हैं। संतोष भैया।